अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो गया होता तो उसकी जवाबदेही कौन लेता। इसलिए हम सब लोगों को ये विमर्श करना चाहिए, सोचना चाहिए। और महोदय अगर सही कारण बताए तो हमको जहां तक लगता है कि कुन नाम हम नहीं देना चाहेंगे, लेकिन कुछ लोगों के मन में तीस था, कुछ लोगों के मन में गुस्सा था, वो मौका के तलाश में थे और उस दिन उनको मौका मिल गया। जाहिर सी बात है कि संख्या पे जाइएगा तो पक्ष और विपक्ष में इस बार विपक्ष जो है अच्छी संख्या में, हालांकि चोर दरवाजे से सरकार बनी उस पर हम नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन संख्या में ज्यादा अंतर नहीं है अध्यक्ष। अरे बाद में बोल लेंगे तो बोल दीजिएगा ना भाई, बोल लेंगे ना जो भी मंत्री जी बैठिए, असंसदीय शब्द कोई नहीं जाएगा प्रोसीडिंग में, बैठिए, कोई भी असंसदीय शब्द किसी का नहीं जाएगा, ये पहले से निर्देशित है। इस बार चलिए सब लोगों का मानना है कि विपक्ष बैठिए माननीय सदस्य, इस बार एक चीज सुन लीजिए, कौन कौन इस तरह से हुआ कर रहे हैं सदन से निकाल देंगे, कोई नहीं, सब लोग एक चीज सुन लीजिए, जब इतनी गंभीरता के साथ आप लोगों के सबके विषय को लेकर हम सदन चलाना चाहते हैं और निर्देशित बार बार कर रहे हैं तो इस तरह से आप विधायक हैं, लाखों लोगों के विश्वास को लेकर आया, इसी शब्द मत उच्चारण करिए। चलिए अध्यक्ष महोदय, हम इतना कह रहे हैं कि इस बार सब लोग कहते हैं कि विपक्ष बड़ा मजबूत है, अच्छी संख्या है, और ये सच्चाई है, संख्या ज्यादा नहीं, कुछ का ही अंतर है कुछ नंबर का। अगर आप वोटों में अगर जाए तो मात्र 12,000 आपके गठबंधन और हमारे गठबंधन अंतर है। आप अगर सोचते हैं कि जनता और जमात आपके साथ, तो गलत फहमी में मत रहिए, जनता और जमात हमारे साथ भी है। उसलिए महोदय हम इतना कहना चाहते हैं कि हम लोगों ने विरोध क्यों किया, बिना वारंट के पुलिस किसी को भी उठा लेगी, कुछ भी कर देगी महोदय। और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने तो यही कहा ना कि बिहार में कानून का राज नहीं, पुलिस का राज। अगर पुलिस के पास ऐसे कानून बन जाता है तो पुलिस कितना गुंडागर्दी पे उतरेगा। यहां मांझी जी बैठे हैं, बताइए, शराबबंदी कानून लागू है लेकिन गरीब दलितों को सताया जा रहा है कि नहीं सताया जा रहा, वसूली की जा रही है कि नहीं की जा रही है, पूरी तरीके से बताएंगे ये कि पुलिस कितना बेईमानी कर रहा है, घुसखोरी होता है पुलिस को, कितना बड़ा घुसखोर होता है। और इनको अगर गलत मिल जाए कानून, बिना वारंट बिना मैजिस्ट्रेट के किसी के घर भी शक के आधार पे आपकी तलाशी ले उठा ले, तो भैया भुक्तभोगी कौन होगा, गरीब, पैसा वाला तो कहीं ना कहीं से निकल जाता है, लेकिन मरता कौन है, गरीब मरता है। जब शराबबंदी आई तो हम लोगों ने समर्थन किया, लेकिन आज कानून का क्या हो रहा है सब लोग आप लोग देख रहे जान रहे, उसलिए हम लोगों ने विरोध किया। सरकार चाहती तो भैया बात कर लेते, अमेंडमेंट ले आते, कितना विधेयक अभी पीपी विधेयक पास हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन उसी विधेयक का हम लोग क्यों विरोध कर रहे थे महोदय, क्योंकि वो जनहित में नहीं था, उससे पुलिस गुंडागर्दी बढ़ती महोदय, इसलिए हम लोगों ने उस कानून का समर्थन और विधेयक का समर्थन नहीं किया था महोदय। लेकिन महोदय सदन के नेता आदरणीय मुख्यमंत्री जी, इतना बड़ा हादसा हो जाता है और एक शब्द नहीं बोलते विधायकों के पक्ष में महोदय, और क्या अधिकारी, कौन थे वो अधिकारी, कौन वो एमएलसी थे सफेद दाढ़ी वाले सफेद बाल वाले जो नालंदा मॉडल वाले अधिकारी के साथ सांठगांठ करके विधायकों को चुन चुन करके ले जा करके बाहर पिटवाने का काम कर रहे थे। कुछ लोग कहिएगा कि आसन पे हम चले गए, तब हाउस नहीं चल रहा था, हम देख रहे थे महिलाओं को घसीट करके ले जाया जा रहा था, साड़ी खुल रहा था, हम जा करके देख रहे थे भाई क्या हमारी महिला विधायकों के साथ हो रहा, वही झांक करके हम देख रहे थे, तो कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि हम आसन पे चढ़ के गुंडागर्दी कर रहे थे, ये नहीं होना चाहिए। आज मान और सम्मान की बात है, लोकतंत्र के मंदिर को हम लोग नहीं बचाएंगे, डेमोक्रेसी को नहीं बचाएंगे, तानाशाही नहीं चलने वाली है। हिटलर का क्या हुआ, हिटलर शाही का अंजाम सब लोग जानते हैं, लेकिन ये बिहार लोकतंत्र की जननी है, हम लोगों को इसके लिए चाहे विपक्ष हो पक्ष हो सभी माननीय सदस्यों को एकजुट होना पड़ेगा और उन अधिकारी को दंडित कराना पड़ेगा जिन्होंने माथा फुड़वाने का काम किया, उठा उठा करके फेंकने का काम किया। इसलिए हमको आसन से भरोसा है, आपने आचार कमेटी में भेजा है महोदय, लेकिन आप ये बताइए महोदय, जो दो सिपाही सस्पेंड हुए, कोई सिपाही की इधर हैसियत नहीं है महोदय कि वो विधायक को विधानसभा में गाली दे करके पीट सके, जरूर कोई ना कोई ऑर्डर आया होगा। अगर आपका
ऑर्डर गया होगा महोदय कि विधायकों को बाहर ले जाइए ताकि सदन की व्यवस्था बनी रहे, लेकिन हम ये जानना चाहते, वो ठीक है आपने ऑर्डर दिया, ठीक है विधायकों को बाहर ले जाओ, लेकिन ये किसने ऑर्डर दिया कि विधायकों को गाली दो और जूते से मारो और बाहर ले जाके फेंको? ये किसने ऑर्डर दिया? इसका जवाब हम लोग चाहते हैं महोदय। बहुत लोग कानून और नियमावली का हवाला देते रहेंगे, लेकिन भैया जब मान सम्मान नहीं बचेगा तो किस बात का कानून, किस बात का नियमावली? अगर वैसा नियमावली है तो उस नियमावली को फेंकिए, नया नियमावली बनाइए जहां आपके अपमान प्रतिष्ठा का सम्मान बचा रहे। इसलिए ज्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे महोदय। और अगर आपको एक्शन लेना है, अगर महोदय आपको एक्शन लेना है, अगर आप चाहते विधायकों पर भी एक्शन ले, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, तो सबसे पहले अधिकारियों को दंडित करें, कठोर सजा दे, चाहे एसपी डीएम या पुलिस कमिश्नर या होम सेक्रेटरी सब बैठाओ, उन तक जांच चली जी। अगर आप चाहते हैं महोदय विधायकों को, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे किसी विधायक को दंडित मत कीजिए, हमको दंडित कीजिए, हमको दंडित कीजिए, लेकिन हमारे कोई विधायक को दंडित नहीं कीजिए महोदय। ये मान सम्मान की बात है। ऐसे कैसे हो जाएगा कि आज विधानसभा में घुस करके आप लोगों को पीटेगा, कल ये एक परंपरा बन जाएगा, कल तो फिर विरोध करेंगे, अगला बिल का विरोध करेंगे, तो फिर से हम लात घुसा खाएंगे और गोली खाएंगे। हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं, जो सजा आपको देना है आप दीजिए, लेकिन हमको दीजिए, लेकिन साथ साथ उन अधिकारी को मत छोड़िए, चाहे कितने फर्स्ट क्लास के अधिकारी हो, डीएम हो, एसपी हो। उसलिए हम चाहते हैं कि इस पे आप पे भरोसा है, सदन चले। बाढ़ का मसला है, खेती का नुकसान हो गया, मजदूर, बेरोजगारी, शिक्षा, चिकित्सा, कोरोना, इतना बड़ा महामारी चल रहा है, इन सब पे हम लोगों को बहस करना, बिहार का उन्नति तरक्की कैसे हो इस पे हम लोगों को बात करना। इसलिए हम चाहते हैं कि कम से कम हेलमेट लगा के तो ना आए, काला पट्टी पहन के तो विधायक ना आए, डरा समा हुआ तो ना आए। अब कोई कहेगा कि भाई कार्रवाई होगी तो दोनों तरफ होगी, तो भैया होगी तो होगी, हम जिम्मेदारी लेते अपने तरफ से, हम पे करेंगे कार्रवाई, लेकिन वो अधिकारी को कौन बचा रहा है भाई? तो हम चाहते हैं सभी लोगों से हाथ जोड़ करके चाहते, जितने माननीय सदस्य हैं, जो सजा देना हमको दीजिए, लेकिन उन अधिकारियों को भी आप लोग मत छोड़िए, नहीं तो आपका मान प्रतिष्ठा नहीं रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समझ।